आंधी है? आंधी है लेकिन थोड़ी थोड़ी। ये तो वो लेने दे खड़े हो, बस थोड़ी सी आती है। हाँ, जूते पड़ सकते हैं आपको घर से। बहुत शुक्रिया। मैं स्ट्राइकी हूँ बट मैं स्ट्राइकी नहीं आती। ये तो कोई गाल ना होने, तुम स्ट्राइकी होगे तो आपको स्ट्राइकी ना आवे। यही गल है। लगाने को लाजमी है, हुसन हुसन का लफ्ज़ औरत के साथ मखसूस है। नहीं नहीं, नींद मेरी पूरी हुई है लेकिन काफ़ी देर से परफॉर्मेंस की बारी नहीं आई है ना, इसलिए जरा इसलिए उदास हैं। नहीं, एनर्जी थोड़ी सी नीचे गई हुई है। अच्छा बिल्कुल ठीक ठाक है। सराकी दी समझ आंदी? नहीं। तो जी सराकी सीख लो ना। कोशिश करूंगी। सारा मेकअप ही नहीं सीखना ना? मेकअप ही जस्ट नहीं है, जस्ट एज यू नो कि हम फैशन शो में आए हुए हैं तो बस बेसिक मेकअप ही मेन चीज है। तो और फैशन शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैशन शो जस्ट यही कहूंगी कि ऐसे फैशन शोज होने चाहिए मुल्तान में, अवेयरनेस के लिए सब बहुत जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुल्तान से ही हूँ बेसिकली। मुल्तान से? और इस तरीके के इवेंट क्या होने चाहिए मुल्तान में? ऑफ कोर्स ऐसे इवेंट होने चाहिए, यूथ में अवेयरनेस आती है। मोस्टली जो है हमारा मीडिया उसकी तरफ से ना उसके हवाले से लोगों में नेगेटिव इम्पैक्ट किया है, तो पॉजिटिविटी के लिए हमें अवेयरनेस के लिए ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और जो फैशन शो में एक लड़की का मेकअप का खर्चा कितना आ जाता है? ये तो डिपेंड करता है मेकअप आर्टिस्ट पे, उसे बेहतर पता होगा, कुछ तो अंदाजा होगा। देखें बेसिकली अच्छा अगर अच्छे प्रोडक्ट्स यूज हैं तो फिर 5000 तक चले जाते हैं, क्योंकि जस्ट एज यू नो एक चीज एक प्रोडक्ट ही बहुत महंगा है। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा ठीक है। सराकी आंधी तक? मैं सराकी हूं बट मैं सराकी नहीं आती। ए तो कोई गाल ना होने, तुसा सराकी होगे तो आपको सराकी ना आवे। यही गल है। ए वाल तो सही थके करण आए बते। मैं मॉडलिंग के उस पर आई हूँ, मॉडलिंग करने, सो मैं ये सबको रिकमेंड करूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पर आएँ। ये बहुत अच्छा है मॉडलिंग का सिस्टम और ये प्रोग्राम अच्छा है? ये अच्छा है प्लेटफॉर्म आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो इस पहले छोटे से ही जाके आगे आता है बंदा, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आएँ इधर प्लेटफॉर्म पर और करें मॉडलिंग और आप आगे बढ़ें। क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र है। आज तो बड़े खुश खुश लगते। हाँ तो इतनी तैयारियाँ, इतना फंक्शन, सारा कुछ हो गया तो खुश ही होंगे ना। तो दसो जी आप। हाँ नहीं, आज दे इवेंट दे बारे के आखना चाहसो? मैं आज दे इवेंट दे बारे च यह आखना चाहसा कि इन तरह के इवेंट थीमने चाहिए। तो दूजी गाल है पई कि नवे चेहरों को प्रमोटिंग मिलती है, तो इन तरह के इवेंट थीमने चाहिए। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई थी, बस मैं यह आखना चाह रही। हाई थी है लो थी? मेरा तो हाल ही हाई था। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत सी है? ठीक शुक्र है अल्लाह का। सराकी आ? हां जी आती है। रोटी खा के आयो? बिल्कुल खा के आई हूं। ए आज का प्रोग्राम किवें लगदा भी तो आको? बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। मैं चाहूंगी कि ऐसे के इवेंट होने चाहिए, और जो ड्रेसिंग के हवाले से हमारी न्यू जनरेशन है तो सीखने को भी मिलता है, अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए ऐसी। आप भी, आपका भी जहन बन गया होगा मैं भी इस तरीके की ड्रेसिंग लूं? नहीं मैंने कर चुकी हूँ, मैंने काफी शो में यहाँ पर किए हुए हैं। देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि आए ऐसे शोज में, आया करें, इवेंट एंजॉय करें और हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खुशी में? जी जी बहुत खुश। अच्छा सराकी से गाल करें तो नाराज नहीं थी ताकि सराकी आंदी हो? जी जी बिल्कुल थोड़ी बहुत आंदी है। आज तो जड़ा है प्रोग्राम आई किवें लगे? बहुत अच्छा लगे, होना चाहिए। देखो हर चीज़ नेगेटिव ही होती है पॉजिटिव होती है, अगर उनको पॉजिटिव देखो तो बहुत अच्छा है, सबको अगे आवन का मौका मिलता है, मिलन का मौका मिलता है, एक ज्यादा सारे को प्रमोट करने का मौका मिलता है। और देखने वाले को तुम क्या आख सो? बिल्कुल मैं तो आदि जो प्रोग्राम ही थी बने चाहिए सारे को, एक दूसरे नाल ताबो नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया, और आपने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया, और देखने वालों को और जो आपने हमें इनवाइट किया आपका बेहद शुक्रगुजार हैं, और इतना बड़ा आपने मुल्तान में इवेंट करवाया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, मुल्तान की ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना बड़ा इवेंट, इतना क्राउड और इतने डिज़ाइनर्स, इतने मॉडल्स, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुल्तान में मैंने हमेशा यही सुना कि इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। मैं समझती हूँ ट्रेंड बहुत है, कोई उसको अप्लाई करने वाला नहीं है। अच्छा मैम ये मैं ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर ऐसे होता है कि पहली मरतबा हम आपको मिले और मेकअप का इतना कमाल, और जिम्मे सराह किए जाते हैं कि ऐसा समझान भी नहीं सके तो आपको, और इन बारे थोड़ा जी गल करे सो, इतने अच्छे अच्छे मेकअप और तुम अपना शक्ल चेंज भी कर रहे हो मेकअप इतना,
हमारे साथ मुल्तान के बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, सर उस्मान है, मिस सनिया है, मेरा मेकअप उस्मान ने किया है और वो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, पहले भी मेरे बहुत से शूट कर चुके हैं और हमेशा मेरी वो लुक चेंज कर देते हैं। मैं खुद भी बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, तो फिर ब्यूटिशियंस के तो हाथों में जादू होता है। थोड़ी सी फनी मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे जैसे का मेकअप हो जाए हम घर जाएँ, हमें तो घर वाले मेरे ख्याल जाने तो भी नहीं इनकार कर दे, तो सकी आ गए हो। हाँ जूते पड़ सकते हैं आपको घर से। अपना हाल सुनाओ। साडा हाल भी ठीक है, सराई की बोलनी तो नहीं आती पर कोशिश कर गिनसा कर लैसा कुछ। रोटी खावनी आंदी है? रोटी तो सारे ही खाते हैं। बस रह की बोलनी बहुत है। अरे बस सेफ्टी भी वाले सिखा दियो, जरूर बोल रहे। अरे आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज इमरान साहब ने फैशन शो करवाया और यहाँ पे एज अ डांसर मैं परफॉर्म कर रही हूँ मैडम नूर जहाँ का पंजाबी गाना। माहौल तो काफ़ी अच्छा है, नज़र भी आ रहा है चिल वाले लोग, लेकिन आगे पता नहीं है कि मेरे ख्याल में आपकी नींद पूरी नहीं हुई। नहीं नींद मेरी पूरी हुई है, लेकिन काफ़ी देर से परफॉर्मेंस की बारी नहीं आई है ना, इसलिए उदास हैं। नहीं एनर्जी थोड़ी सी नीचे गई हुई है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, बेहतरीन है। आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी आज का इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा, मुल्तान में फैशन शो काफ़ी दिनों के बाद मुनक़िद हो रहा है और माशाल्लाह लोग इंजॉय कर रहे हैं। जो टेंशन का माहौल हुकूमत ने क्रिएट किए हुए थे आज उसके खिलाफ उन्होंने समझा, ये लोगों को इंजॉय करने का मौका मिल रहा है। लोग अब आटा भूल कर ना तो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। यही मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर आवाम आटे से परेशान है और आवाम का कहना है कि सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं इन्होंने सारा आटा मुँह पे लगाया हुआ है। जी अब ये देखिए वो बेचारा लगता है सिंगर रो ही रहा है आटे के लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और आटे की सप्लाई बेहतर बनाए। मगर ये फैशन शो हमारे आवाम के लिए बहुत अच्छा है कि आवाम को टेंशन से बाहर निकाल रहा है। आपका कहने का मकसद ये है कि रोटी मिले ना मिले लेकिन मेकअप लाजमी होना चाहिए। जी जो खवातीन है ना इनका तो गुजारा भी नहीं है, खवातीन वो आइटम है वो कहते हैं खाने को हो ना हो, पहनने को हो ना हो, लगाने को लाजमी है। हुसन हुसन का लफ्ज़ औरत के साथ मखसूस है। शुक्रिया। थैंक यू मैम। आज के शो के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? आज के शो के बारे में ये कहना चाहूँगी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा इवेंट है, तो सबको आना चाहिए, सबको चांस देना चाहिए जो जो इस हिस्से में है।